अरे हेलो, आइए। भोजपुर से आई है महिला, महाविद्यालय में कार्यरत कर्मी की मृत्यु हुई है, ये परिवार का अनुकंपा के आधार पर कोई जो होता है ना आश्रित का, उसको देख लीजिए। हाँ, देख लीजिए तुरंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। एक महिला के पति की कुछ सालों पहले मौत हो जाती है, जिसके बाद वो अनुकंपा पर नौकरी के लिए दर दर भटकती फिरती है, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। जिसके बाद आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार पहुंची। ये महिला बिहार के भोजपुर की है, जहां उसने प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी परेशानी रखी और बताया कि पिछले 9 सालों से वो विभाग के चक्कर काट रही है, अधिकारियों के सामने हाथ पैर जोड़ रही है, पर उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। उसे अनुकंपा पर नौकरी मिलनी थी, पर अभी तक अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली। उसके पति जो है वो किसी कॉलेज में कार्यरत थे, जिस पूरे मामले को सुनते ही नीतीश कुमार फौरन एक्शन मोड में आए और उन्होंने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को फोन लगा दिया और कहा कि आखिरकार इस महिला के साथ इतनी देरी क्यों हो रही है, आप लोगों को दिक्कत क्या है, इन्हें अनुकंपा पर नौकरी मिलनी थी तो दे दीजिए ना, अभी तक अनुकंपा पर नौकरी क्यों नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद कड़क अंदाज में शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को फटकारते हुए नजर आए और उन्होंने भोजपुर से आई इस महिला को आश्वस्त किया कि उनकी परेशानी जल्दी दूर हो जाएगी और जो अनुकंपा पर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी वो नौकरी भी जल्द ही उन्हें प्रदान की जाएगी। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने जब ये महिला उनके समक्ष पहुंची और महिला ने किस प्रकार अपनी परेशानी बताई है, छोड़ जाते हैं उस पूरे विजुअल के साथ। सर, मेरा 9 साल से नौकरी के लिए अप्लाई किए हुए हैं और अभी तक अनुकंपा पे सर मुझे अभी तक मिला नहीं है सर, और मुझे डेट पे डेट दिया जाए पर डेट स्थगित कर दिया जा रहा है सर, और 18 तारीख को भी डेट दिया गया है सर, पर वही है कि आप बस इस बार बोल दीजिए कि स्थगित ना हो सर, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं है सर और मेरे पिताजी भाई कोई नहीं है, मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरे हेलो, आइए। भोजपुर से आई है महिला, महाविद्यालय में कार्यरत कर्मी की मृत्यु हुई है, ये परिवार का अनुकंपा के आधार पर कोई जो होता है ना आश्रित का, उसको देख लीजिए। हाँ, देख लीजिए तुरंत। सर वहाँ जल्दी कुछ कह दिया।